हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस पार्ट 4। इससे पहले 3 पार्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिए। दोस्तों, ये क्वेश्चन इतने इम्पॉर्टेंट इसीलिए भी हैं क्योंकि ये सभी प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित हैं, इसलिए प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिली जिंग किंग कप किस खेल से संबंधित है? बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में रिपीट हुआ है। करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा डी, टेनिस। ठीक है, बिली जिंग किंग कप जो है ये टेनिस से रिलेटेड है। देखिए क्या हुआ था, 1963 में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ की जब 50वीं एनिवर्सरी मनाने के लिए शुरू की गई एक अंतर्राष्ट्रीय महिला टेनिस प्रतियोगिता थी, बिली जिंग किंग कप। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये पूछा गया है क्योंकि एग्जाम में। कूना इनमें से किस देश की मुद्रा है? कूना कहाँ की करेंसी है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, क्रोएशिया की। ठीक है, क्रोएशिया की करेंसी कौन सी है? तो क्रोशियन। ठीक है, क्रोशियन कूना ये क्रोएशिया की करेंसी है। और देखिए, एक क्रोशियन कूना में 10.76 इंडियन रुपीज़ होते हैं। ठीक है, इंडियन रुपीज़ कितने होते हैं? 10.76 इंडियन रुपीज़ होते हैं एक क्रोशियन कूना में। तो कहाँ की मुद्रा है कूना? क्रोएशिया की। पंचेत बांध किस राज्य में बनाया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर है ए, झारखंड में। ठीक है, पंचेत बांध कहाँ पर है? तो झारखंड में है। ये भी पूछा जा सकता है कि किस नदी पर? तो दामोदर नदी पर। ठीक है, ये आपको याद रखना है क्योंकि या तो बांध का नाम पूछा जाता है या पूछा जाता है किस नदी पर है, तो दामोदर नदी पर ये स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय किस स्थान पर है? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, वॉशिंगटन डीसी में आईएमएफ या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय स्थित है। व्हाइट क्लिफ आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनमें से किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में व्हाइट क्लिफ आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यूनिडो का मुख्यालय किस स्थान पर है? ठीक है, यूनिडो बहुत पूछा जाता है, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय स्थित है बी, वियना में। ठीक है, कहाँ पर है? वियना में। ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेडियम इनमें से किस स्थान पर स्थित है? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, भुवनेश्वर में। ठीक है, ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेडियम भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। कुम्मी इनमें से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो सही आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा बी, तमिलनाडु का। ठीक है, कुम्मी कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये लोक नृत्य है तमिलनाडु का। नेक्स्ट, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत पूछा जाता है, एपेक का पूरा नाम क्या है? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, और इसका मुख्यालय स्थित है सिंगापुर में। बी करेक्ट हो जाएगा, कहाँ पर है? सिंगापुर में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 9 अगस्त 1965 को। ठीक है, 9 अगस्त 1965 को इसकी एपेक की स्थापना की गई थी। और मुख्यालय कहाँ पर है? तो सिंगापुर में इसका मुख्यालय स्थित है। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इनमें से किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो करेक्ट आंसर है सी, केरल में। ठीक है, कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल में स्थित है। मोर्मागांव बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, गोवा। ये बहुत पूछा जाता है इसलिए आपको ये याद रखना है। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिवस होता है जिसे हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। आयरलैंड की राजधानी क्या है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, डबलिन। ठीक है, डबलिन जो है वो आयरलैंड की राजधानी है। निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है? तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर है डी, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय, ये दिल्ली में स्थित है। इनमें से किस खेल महासंघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है? तो सही आंसर होगा ए, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है।
सलीम अली पक्षी अभ्यारण डैश राज्य में स्थित है? बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, गोवा में। ठीक है, डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण ये कहाँ स्थित है? ये गोवा राज्य में स्थित है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन WSA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का मुख्यालय स्थित है। पोर्टो प्रिंस किस देश की राजधानी है? देखिए कई बार पूछ लिया जाता है ऐसा क्वेश्चन, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी, हेती। ठीक है, पोर्टो प्रिंस किस देश की राजधानी है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हेती। नेक्स्ट, ब्रह्म उत्सवम का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा सी, आंध्र प्रदेश में। ब्रह्म उत्सवम त्यौहार मनाया जाता है कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में स्थित है? बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन। सही आंसर हो जाएगा डी, खांगचेदजोंगा। ये राष्ट्रीय उद्यान है जो सिक्किम में स्थित है। एजरा कप किस खेल से संबंधित है? एजरा कप के बारे में बहुत पूछा जाता है। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर है सी, पोलो से संबंधित है एजरा कप। स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? ये भी बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। सही आंसर हो जाएगा बी, रायपुर में। स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये रायपुर शहर में स्थित है, रायपुर छत्तीसगढ़। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। हुडो किस राज्य का लोक नृत्य है? ये बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, गुजरात। ठीक है, गुजरात का लोक नृत्य है हुडो। देखिए, जो गुजरात के चरवाहा समुदाय की एक भारवाड़ जनजाति होती है और भारवाड़ जनजाति के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो ये हुडो किस राज्य का लोक नृत्य है? ये गुजरात का लोक नृत्य है। कालीबंगा इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आंसर होगा सी, राजस्थान। ठीक है, कालीबंगा बहुत पूछा जाता है क्योंकि ये क्यों फेमस है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष यहाँ से मिले थे, हड़प्पा सभ्यता के अवशेष यहाँ से मिले थे। यहाँ पर मेनली पत्थर की चूड़ियाँ मिली थी और इसी के नाम पर कालीबंगा, काले रंग की यहाँ से चूड़ियाँ मिली है, इसलिए भी इसका नाम कालीबंगा पड़ा है। तो ये कहाँ स्थित है? राजस्थान में। नेक्स्ट, यदि हिम तेंदुआ हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु है तो राज्य के राज्य वृक्ष का क्या नाम है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, देवदार। ठीक है, आपको याद रखना है क्या नाम है? देवदार। भारत के किस भाग में सवाई मानसिंह स्टेडियम स्थित है? तो करेक्ट आंसर यहां पर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है बी, राजस्थान में सवाई मानसिंह स्टेडियम स्थित है। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस भाग में स्थित है? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, जम्मू और कश्मीर में दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश में। गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध जो रिहंद नदी पर स्थित है, ठीक है, रिहंद नदी पर बना हुआ बांध है और ये कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में स्थित है। डेनमार्क की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, कोपेनहेगन। ये यहाँ की राजधानी है और क्रोन ये मुद्रा है डेनमार्क की। कीर्तन नृत्य भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? सही आंसर हो जाएगा ए, पश्चिम बंगाल का। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए पूछा जाता है एग्जाम में। पलजोर स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई सारे जगह पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम में रिपीट हुआ है। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, सिक्किम। ठीक है, पलजोर स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है सिक्किम में। भारत में फिनो पेमेंट्स बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मुंबई में। भारत में फिनो पेमेंट्स बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, December 5, यानी कि 5 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। काजरी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है, लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश का। ठीक है, काजरी उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय लोक नृत्य है। अंशी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कर्नाटक। बहुत पूछा जाता है अंशी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। होंडुरास की मुद्रा डैश है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी, लैम्पीरा। ठीक है, होंडुरास की मुद्रा क्या है? लैम्पीरा है। और जो होंडुरास लैम्पीरा है, तो एक लैम्पीरा कितने रुपए के बराबर होता है इंडियन रुपए के? तो 3.21 इंडियन रुपीज़ के इक्वल होता है एक लैम्पीरा।
मोरोनी किस देश की राजधानी है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कोमोरोस। ठीक है, मोरोनी कोमोरोस की राजधानी है। कामराजर पोर्ट लिमिटेड डैश में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, चेन्नई में। कामराजर पोर्ट लिमिटेड चेन्नई में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, नैरोबी, केन्या में स्थित है यूएनईपी का मुख्यालय। भारत में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। विश्व के किस देश की राजधानी है? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, किर्गिस्तान। ठीक है, किर्गिस्तान की कैपिटल है बिश्केक। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन आशियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो करेक्ट आंसर होगा सी, जकार्ता, इंडोनेशिया में। ठीक है, जकार्ता इंडोनेशिया में आशियान का मुख्यालय स्थित है। आशियान की स्थापना कब हुई ये भी पूछा जाता है, तो 8 अगस्त 1967 को आशियान की स्थापना हुई है। डैश चेक गणराज्य की आधिकारिक मुद्रा है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी, कोरुना। ठीक है, कोरुना चेक गणराज्य की आधिकारिक मुद्रा या करेंसी है। भारतीय खिलाड़ी शिव थापा किस खेल से जुड़े हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बॉक्सिंग से। ठीक है, शिव थापा जो है किससे जुड़े हैं? बॉक्सिंग से। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम भारत के किस भाग में स्थित है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी, गुजरात में। नेक्स्ट, माधव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मध्य प्रदेश में। ठीक है, माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, वॉशिंगटन DC में IFC अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का मुख्यालय स्थित है। महान जीवित चोल मंदिर डैश में एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, तमिलनाडु में। महान जीवित चोल मंदिर तमिलनाडु में स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर है। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, फुटबॉल से संबंधित है संतोष ट्रॉफी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। यहीं पर दोस्तों हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।